ये खबर चंदौली से आ रही है, जहां पर दिवाली आ गई है और हड़कंप भी मच गया है। आपको बताते हैं कि हड़कंप क्यों मच गया है। खाद्य और औषधि विभाग ने यहां पर छापेमारी की है, जिसके चलते मिठाई की दुकान और खाने पीने के अन्य सामान जो कि मिलावट करके बनाए गए थे, उनमें हड़कंप मच गया है। क्योंकि इस छापेमारी के दौरान उनकी धरपकड़ की जा रही है जो कि मिलावटी सामान बेच रहे थे। मिलावटखोर दुकानदार इस दौरान दुकान बंद करके भाग गए। बता दें कि त्योहारों के मद्देनजर मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है और इसी के कारण मिलावटखोर भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। घटिया सामग्री से और मिलावट से बनी हुई मिठाइयां बाजार में उतार देते हैं, जिसके खाने से लोगों पर बुरा असर होता है। हालांकि उन्हें पैसे तो उतने ही चुकाने पड़ते हैं और सामान भी मिलता है घटिया। दीनदयाल नगर के खोआ मंडी के खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों ने खोए की दुकान पर छापेमारी की। ज्यादातर दुकानदार सैंपल ना देना पड़े इसलिए घबरा कर भाग गए। अगर ये सुरक्षा व्यवस्था शुरू से आप व्यवस्था देते तो हो सकता है कि आज आपको ये नंबर भी ना आती। जांच नहीं, आज साल में एक बार अभियान चलता है दीपावली में। यहाँ पे खोआ व्यवसायी भी खड़े होकर उनसे भी पूछेंगे तो आप साल में एक बार आते हैं। बच्चा मोछू तो पूरा जिला संभाल लेते हैं। अभियान चलता रहता है साल में, अब जब कभी है तो त्योहारों पर ज्यादा मिलावट की संभावना रहती है। सर आप लोग जब भी आते हैं तो सर आप जब भी आते हैं यहाँ पे दुकानदार जो है दुकानें बंद करके भाग जाते हैं, तो मतलब ऐसा माना जाए कि आपके यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लीक होता है कहीं ना कहीं से? नहीं, हमारे यहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होता है। ये इस मार्केट की स्थिति ऐसी है कि चारों तरफ गलियाँ ही गलियाँ हैं। एक दुकान पर हम पहुँचते हैं पता चलता है सारा मार्केट बंद हो गया है। कहीं से माना जाए कि ये दुकानदार जो दुकान बंद करके भाग जाते हैं कहीं ना कहीं से अनलीगल हैं ये? नहीं, अनलीगल तो नहीं, क्योंकि सभी पंजीकृत हैं विभाग। तो आखिर बंद करके भागते हैं उनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं करते आप? कभी ना कभी तो कार्रवाई होगी होगी। नहीं, आज तक तो कभी किसी ने नहीं की कार्रवाई है। साल भर चलती रहती है, कभी ना कभी तो उनको कार्रवाई होगी होगी। और आप कह रहे हैं तो चंदौली से ये थी पवन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।